लद्दाख पा सांगमाला यांग लाची जुले लद्दाख ला स्काईस चेनमो चेनमो मा मांगपो ह्योंगस्ते योड़ हाईले यहाँ आने से पहले किसी ने मुझे कहा कि लेह में तो बहुत ठंड है, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान है, इतनी सर्दी में आप सभी यहाँ आए। मैं सचमुच मैं भाव विभोर हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। एयरपोर्ट से उतरने के बाद बहुत बड़ी बड़ी आयु की माताएं एयरपोर्ट के बाहर आशीर्वाद देने के लिए आई थी। इतनी माइनस डिग्री टेम्परेचर में वो खुले में खड़ी थी। मैं भी कार से उतर करके उनको नमन करने के लिए नीचे चला गया। मन को इतना आंदोलित कर दिया कि ये प्यार, ये आशीर्वाद, इन माताओं का स्नेह, और वो भी इतनी विपरीत परिस्थिति में, प्रकृति साथ न देती हो तब तब एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आप लोगों के इस अपनत्व, इस स्नेह को देखकर मुझे जो थोड़ी बहुत भी ठंड लग रही थी, अब उसका भी उतना एहसास नहीं हो रहा है। मंच पर विराजमान जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी जम्मू कश्मीर की धरती के संतान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान हाजी इनायत अली जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष श्रीमान जेटी नमग्याल जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के अध्यक्ष श्रीमान फिरोज अहमद जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान चेरिंग दोरजे जी, और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, लद्दाख वीरों की धरती है। चाहे 1947 हो, एयरफोर्स 1962 की जंग, या फिर कारगिल की लड़ाई, यहाँ के वीर फौजियों ने, लेह और कारगिल के जांबाज लोगों ने देश की सुरक्षा निश्चित की है। इतनी खूबसूरत पहाड़ियों से सुशोभित लद्दाख अनेक नदियों का स्रोत भी है, और सही मायने में हम सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। 9-10 महीने में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, हर कठिनाई को चुनौती देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। जो स्नेह आप मुझे देते हैं, मुझे ब्याज समेत विकास करके उसको लौटाना है। मुझे ये एहसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किलें लेकर आता है। बिजली की समस्या होती है, पानी की दिक्कत आती है, बीमारी की स्थिति में परेशानी होती है, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मैंने यहाँ पर, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आपके बीच रहने का। पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था, तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है।
साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसलिए मैं खुद बार बार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूं। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के 3000 करोड़ रुपये उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ले और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, कालगी ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था और आज लोकार्पण भी मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से अब लेह लद्दाख की बिजली की समस्या कम होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। भाइयों और बहनों, आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनसे बिजली के साथ साथ लेह लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए यहीं पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ का मौसम इतना सुंदर है कि अगर यहाँ उत्तम प्रकार के हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दें तो मैं विश्वास से कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने से नौजवान लेह लद्दाख में आकर के पढ़ाई करना पसंद करेंगे। और हमने उस सपनों को देखना चाहिए और मेरे दिमाग में ऐसे सपने पड़े हैं। साथियों, हम सभी के सम्माननीय महान कुशक बकुला रिंपोची जी ने अपना पूरा जीवन एक सपने के लिए खपा दिया था। लेह लद्दाख को शेष भारत से कनेक्ट करना और देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना ही पूज्य रिंपोची का सबसे बड़ा सपना था। केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए यहां कनेक्टिविटी को एक नया विस्तार दे रही है। लेह लद्दाख को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र को पहली बार देश के रेल मैप से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और कुशक बकुला रिंपोचे एयरपोर्ट की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग दोनों ही यहां विकास को और गति देने वाले साबित होंगे। साथियों, 3 दशक पहले यहां जो बिल्डिंग बनाई गई थी, समय के साथ इसको आधुनिकता से जोड़ने, इसमें नई सुविधाओं का विकास करने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही
लोकार्पण भी किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसका शिलान्यास पहले किया था उसका लोकार्पण आज कर रहा हूं, आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने के लिए मैं ही आऊंगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधा देने के साथ साथ अब ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम हो पाएगा। इसी तरह बिलासपुर मनाली रेल लाइन पर शुरुआती सर्वे हो चुका है, कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है। जब ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी तब दिल्ली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। सर्दियों में तो यहां की सड़कें पूरी तरह से शेष भारत से कट जाती है। ये रेल लाइन काफी हद तक इस समस्या को दूर करेगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में जब कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है तो वहां के लोगों का जीवन तो आसान होता ही है, कमाई के साधन भी बढ़ते हैं। टूरिज्म को इसका सबसे अधिक लाभ होता है। लेह लद्दाख का इलाका तो अध्यात्म, कला, संस्कृति, प्रकृति की सुंदरता और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां टूरिज्म के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है। आज यहां 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोलने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन रूट्स पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की वैधता भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दी है। इससे यहां आने वाले टूरिस्ट शांति से पूरा समय लेकर अपनी यात्रा का आनंद ले पाएंगे और यहां के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिल पाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट लेह आए हैं और करीब 1 लाख लोगों ने करगिल जी की विजिट की है। एक तरह से देखें तो कश्मीर में जितने टूरिस्ट अभी आए हैं उसका आधे इसी क्षेत्र में आए हैं। वो दिन दूर नहीं जब लेह लद्दाख का टूरिज्म नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार देश भर में विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसको सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। ये लेह लद्दाख और कारगिल में भी इन सभी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है। लद्दाख में कुल आबादी का 40% हिस्सा युवा विद्यार्थी है। आप सभी की लंबे समय से यहां यूनिवर्सिटी की मांग रही है, आज आपकी ये मांग भी पूरी हुई है और इसके लिए भी आप सभी को और विशेषकर मेरे नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है। इसमें नुब्रा, लेह,
झंस्कार और करगिल में चल रहे डिग्री कॉलेजों के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। छात्रों की सुविधा के लिए लेह और करगिल में भी इसके प्रशासनिक दफ्तर रहेंगे। साथियों, लेह लद्दाख देश के उन हिस्सों में है जहां शेड्यूल ट्राइब्स मेरे जनजातीय भाई बहनों की आबादी काफी मात्रा में है। दो दिन पहले केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें एससी एसटी के विकास पर बहुत बल दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए बजट में लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि दलितों के विकास के लिए लगभग 35% अधिक बजट का आवंटन इस बार किया गया है। बजट में एसटी वेलफेयर के लिए जो 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, इससे अब शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। भाई और बहनों, केंद्र सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जिन्हें कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। इस बजट में सरकार ने घुमंतु समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये वो लोग हैं जो अपनी जीवन शैली की वजह से कई बार मौसम की वजह से एक ही स्थान पर टिककर नहीं रह पाते। ऐसे में इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार जो विकास कार्यों को लेकर आगे चल रही है, इन विकास कार्यों का लाभ इन परिवारों तक, इन समुदायों तक जो आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं पहुंच पाया है, उनको तेजी से पहुंचे। और ये वो लोग कौन है? सपेरा, बंजारा और जो बैलगाड़ी में घूमने वाले लोहार होते हैं, ऐसे सब बिल्कुल घुमंत लोग होते हैं, शेफड़ होते हैं, कहीं रुकते ही नहीं, अपने पशुधन को लेकर चलते ही चलते हैं, अपने स्थान पर आते आते 2 साल लग जाते हैं। ऐसे परिवारों की चिंता करना, इस पर एक बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। साथियों, इसके अलावा बजट में देश के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक घोषणा सरकार ने की है। पीएम किसान सम्मान निधि, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं पीएम किसान। इस योजना का लाभ लेह लद्दाख के अनेक किसान परिवारों को भी होने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, और यहां तो करीब करीब सब ऐसे ही है, सब 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, उनके बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये हर वर्ष दिल्ली भारत केंद्र सरकार की तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। ये 2,000 की 3 किस्तों में आपको मिलेंगे, सीजन के हिसाब से तय किया है। जिसकी पहली किस्त, मेरी कोशिश है कि बहुत ही जल्द पहुंच जाए, और इसलिए मैंने देश की सभी राज्य सरकारों को इसकी गाइडलाइंस आज ही भेज देने वाला हूं। सूचनाएं भेजती हैं कि आपके यहां किसान, उनकी सूची, उनका आधार नंबर तुरंत भेज दीजिए ताकि वहां से पैसे उनके खाते में जमा हो जाए। और ऐसा नहीं कि भाई
बातें करना, वादे करना, फिर निर्णय करना, जी नहीं, मुझे लागू करना है। और सब राज्यों की मशीनरी जितनी एक्टिव होगी उतना तेजी से लाभ पहुंचने वाला है। और इससे यहां के आलू, मटर, गोभी, उसके उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिलने वाला है। और यहाँ की गोभी के लिए तो मुझे बराबर याद है, मैं संगठन का काम करता था तो दिल्ली से आता था, दिल्ली वापिस जाता था, तो वहाँ जिन कार्यकर्ता मेरे परिचित थे वो मुझसे ये ही आग्रह करते थे कि साहब लगेज का जो खर्चा होगा हम दे देंगे, लेकिन गोभी उठा के ले आना। और मैं भी यहाँ से काफ़ी सब्जी ले जाता था, उन परिवारों को बड़ा अच्छा लगता था यही सब्जी खाने का। और इस नई योजना के लिए मैं सच बताता हूँ, किसानों के लिए अद्भुत योजना है, उनको एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। और जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं ना, उनको पता नहीं होता है दुर्गम पहाड़ों में, रेगिस्तान में, पिछड़े इलाकों में गरीब किसान जो है ना, उसके लिए 6,000 रुपया कितनी बड़ी बात होती है, ये एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लोगों को पता तक नहीं होता है, उनको समझ नहीं होता। इस नई योजना के लिए मैं आप सभी को, देश भर के किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लेह लद्दाख कारगिल भारत का शीर्ष है, हमारा मस्तक है, मां भारती का ये ताज हमारा गौरव है। बीते 4.5 वर्षों से ये क्षेत्र हमारी विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र रहा है। मुझे खुशी है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट में बदलाव किया गया है और काउंसिल को खर्च से जुड़े मामलों में अब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले पैसे यहां की ऑटोनोमस काउंसिल ही जारी करती है। काउंसिल के अधिकारों के दायरे और फैसले लेने की शक्ति को भी बढ़ाया गया है। इससे यहां के महत्वपूर्ण विषयों को ज्यादा तेजी से और ज्यादा संवेदनशीलता से सुलझाया जा सकता है। अब आपको अपनी जरूरतों के लिए बार बार श्रीनगर और जम्मू नहीं जाना होगा, लेकिन ज्यादातर काम यहीं लेह और लद्दाख में ही पूरे हो जाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोना विकास से अछूता ना रहे, इसके लिए ही सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम पिछले 4.5 से लगातार दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि लेह लद्दाख करगिल के विकास के लिए कोई कोई कसर, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्र सरकार, अभी हमारे मित्र ने काफी लंबा लिस्ट पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इनकी बारीकियों में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं यहां से लोगों से परिचित हूं और मेरा ये सबसे बड़ा लाभ है, मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो हिंदुस्तान के हर कोने में भटक करके आया हूं, इसलिए मुझे चीजों का काफी अंदाज है, बारीकियां अफसरों से जान लेता हूं, लेकिन मुझे अनुभव होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार आपके आशाओं आकांक्षाओं का पूरा सम्मान करती है। और आज ये शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। एक बार फिर जीवन को आसान बनाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्दी के इस मौसम में भी
आप दूर दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, भारी संख्या में पहुंचे, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।